खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। एबीपी न्यूज पर अपने शो संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आप सभी दर्शकों का बहुत शुक्रिया, आपकी पसंद ने संविधान की शपथ को फिर से बनाया है नंबर वन शो। हमारी ये कोशिश रहेगी आगे भी आपका साथ यूं ही बना रहे। देश में देखिए अभी नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर लोगों के मन में भ्रम है। सरकार इन शंकाओं का जवाब दे रही है लेकिन सवाल फिर भी है, लोग कंफ्यूजन में है, आज भी सड़क पर उतरकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दुविधा भरे माहौल में आज केंद्रीय कैबिनेट ने देश में एनपीआर लागू करने पर मोहर लगा दी है। विपक्ष इसी एनपीआर को एनआरसी की तैयारी बता रहा है और सरकार एनपीआर को जनगणना सेंसेक्स 2021 की प्रक्रिया बता रही है। मतलब अब की बार एनपीआर पर आर पार, नागरिकता पर अभी नहीं थमा बवाल और अब एनपीआर पर भी सवाल। ऐसे बिल लागू करके ये सब करके क्या दिखाना चाहते हो? हम अपने सभी हिंदू दलितों बहन भाइयों से प्यार करते हैं, हम उनके साथ रहना चाहते हैं। हम नागरिकता कानून पर संग्राम, अब आया एनपीआर का नाम। एनआरसी का काम शुरू हो चुका है एनपीआर से, इसीलिए हम कह रहे हैं कि एनआरपी को रोकना पड़ेगा, एनपीआर को रोकना पड़ेगा। पहले कैबिनेट ने एनपीआर अपडेट करने पर लगाई मोहर, अब की बार एनपीआर पर आर पार। एनपीआर जिसको कहते हैं 2010 में सेंसस के एक साल पहले हुआ था, तब गृह मंत्री कौन थे, तब सरकार किसकी थी। एनपीआर सिर्फ सेंसस के लिए किया जाता है, हमारी नियत तो हमारी नीति बड़ी स्पष्ट थी कि गृह मंत्री संसद में खड़े होकर चुनावों में जाकर इसको चुनावी मुद्दा बनाकर एनआरसी की बात बार बार कर। पीएम मोदी ने कहा था अभी नहीं एनआरसी का नाम। कांग्रेस और अर्बन नक्सलियों द्वारा उड़ाई गई डिटेंशन सेंटर के पाए सरासर झूठ है, ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। नागरिकता संशोधन कानून भेदभावपूर्ण है, नोटबंदी की तरह एक बार फिर एक एक व्यक्ति को अपने और अपने पूर्वजों की नागरिकता साबित करने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। नागरिकता पर बवाल, एनपीआर पर भी सवाल। तो आखिरकार अब एनपीआर को लेकर जिस तरीके का आर पार है उसी पर हम चर्चा करेंगे। मैं आपको परिचय कराती हूँ, खास मेहमान हमारे साथ जो मौजूद हैं, बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिक्स के संस्थापक निशांत वर्मा जी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, लेखिका शुभ्राजता इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रही है और टीएमसी के समर्थक तौसीफ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं चर्चा शुरू करूं उससे पहले आपको बताते हैं कि केंद्रीय कैबिनेट की आज जो बैठक हुई है जिसमें मोहर लगी है एनपीआर पर कदम बढ़ाने की आगे, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, सामने आए प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय मंत्री और उन्होंने इसके बारे में जो जानकारी दी वो आप सुनिए। पहले एनपीआर में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर ये पहली 2010 में यूपीए सरकार में शुरू हुआ और सारे लोगों का एक रजिस्टर बना और उसके कार्ड मनमोहन जी ने वितरित किए थे। तो 2015 में इसका अपडेशन हुआ और अभी इसका पूरा एक बार नए, क्योंकि हर 10 साल के बाद ये करना है, तो 2020 में तो इसमें कोई भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, कोई भी कागज देने की जरूरत नहीं है। आपके सवालों को पहले ही मैं जवाब देता हूं, इसमें ना प्रूफ है ना कागज है ना बायोमेट्रिक है, जो आप कहोगे वही सही है क्योंकि जनता पर हमारा भरोसा है।
तो सुना आपने, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि एनपीआर को लेकर यह सिर्फ और सिर्फ भ्रम है जो विपक्ष की तरफ से खड़ा किया जा रहा है। एनपीआर में कोई प्रूफ, कोई कागज नहीं आपसे मांगा जाएगा। एनपीआर में किसी तरीके की कोई बायोमीट्रिक नहीं होगी, जो आप कहेंगे वही मान लिया जाएगा, क्योंकि सरकार जनता पर भरोसा करती है। लेकिन इससे पहले जरा ये ग्राफिक्स आप देखिए जो हमने खास आपके लिए बनवाए हैं कि आखिरकार भारत एक देश लेकिन पहचान कितनी। ये देखिए आधार कार्ड देश में, आपको पता है 96% से ज्यादा लोगों के पास इस देश में आधार कार्ड है। वोटर कार्ड आपको मिलेगा देश की बड़ी आबादी के पास, पैन कार्ड लोगों के पास है, ये अलग अलग कार्ड्स हैं। एक देश कितनी पहचान, ड्राइविंग लाइसेंस भी कई जगह पर आईडी प्रूफ के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा पासपोर्ट, ये तो होता ही है किसी भी देश का नागरिक होने का एक सबसे बड़ा आधार। तो कुल मिलाकर ये अलग अलग एक देश कितनी पहचान वाला ग्राफिक्स जो खास तौर से मैंने आज बनवाया संविधान की शपथ में आपको दिखाने के लिए, और इसका मकसद ये कि मैं सीधे सवाल पूछ सकूं बीजेपी के नेता जफर इस्लाम साहब से कि आखिरकार देश में तो पहले से इतनी पहचान मौजूद है, फिर ये जो कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि सेंसस की प्रक्रिया का हिस्सा है, अब एनपीआर की क्या जरूरत आ पड़ी है जफर भाई? रुमाना जी, पहले तो आपको बहुत सारी ढेर सारी बधाइयां। आपका ये प्रोग्राम नंबर वन प्रोग्राम एक बार फिर हुआ है, इसके लिए आपको बहुत सारी बधाइयां। थैंक यू सर। अब मैंने आपका सवाल का जवाब देना है। पहले तो ये जो आपने सऊदीन वैसी को आपको दिखाया और वो जो कह रहे थे, उन जैसे लोगों को आप कहीं नहीं, आप ना चैनल पर दिखाएं, तो मेरी आग्रह रहेगी कि आप ऐसे लोगों को चैनल पर ना दिखाएं, इसलिए कि ये शुरू से ही इनकी एक ही मकसद रहता है कि किसी तरह समाज को गुमराह करने का। अब देखिए, एनआरसी में कुछ था नहीं, तो इन्होंने दस्तावेज आपने सोनिया गांधी को दिखाया, अपने दो तीन जनरेशन पुराने जो है उनके दिखाइए आप दस्तावेज। किसने मांगा था भाई? उनके पार्टी में मांगा होगा, हम लोगों ने तो, सरकार ने तो नहीं मांगा था। दूसरी बात, एनपीआर में कितना साफ सुथरे तरीके से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा जहां पर ये हर 10 साल पे जनगणना होती है, सेंसस होता है, और उसकी इस बार ऐप बेस्ड है। आपको सिर्फ जाके उस पर अपने बारे में डिटेल्स देना है, वो दे दीजिए। कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कोई दस्तावेज नहीं, ये सेल्फ डिक्लेरेशन है ऐप पे जाके। अभी देखिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए किसी भी देश में। ऑन रियल टाइम बेसिस आपको जानना चाहिए कि आपके यहां पर कितने नागरिक हैं और उस नागरिक की संख्या पता रहनी चाहिए। इसमें क्या गलत है? हर चीज अब रियल टाइम बेसिस पे होती है, इसलिए कि टेक्नोलॉजी है। पहले ये नहीं पॉसिबल था, जफर भाई अब ये पॉसिबल है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है जफर भाई। जफर भाई देखिए, आज संविधान की शपथ में मेरा मकसद ये है कि जो भ्रम फैल रहा है वो दूर हो, इसीलिए मैं ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी जिसके जवाब में आप एक्सप्लेन कर सके। तो मैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आपके सामने रखती हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया दर्शकों को कि किस तरीके से आधार कार्ड इस देश की 96% से ज्यादा आबादी के पास है। तो क्या आधार कार्ड इस सेंसस के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता था? एनपीआर पर कदम आगे बढ़ा रही है सरकार, आधार कार्ड का ही दायरा और क्यों नहीं बढ़ाने की कोशिश की गई, ये बताइए। नहीं देखिए, एनपीआर एक एक्सरसाइज है, 10 साल, हर 10 साल पे होता है, ये पहली बार नहीं हुआ और इसका कोई आधार कार्ड से रिलेशन नहीं। आधार कार्ड में आपको बायोमेट्रिक्स देना पड़ता है, इसमें बायोमेट्रिक्स नहीं, सिर्फ जनगणना का जो है वो एक प्रोसेस है जो अंग्रेज के जमाने में 8 बार हुआ था और 7 बार हो चुका और 8वीं बार अभी हो रहा है। इसमें बुराई क्या है? ये पहली बार हर 10 साल में होता है, ये एक प्रोसेस है जिससे पता चलता है कि आपकी पॉपुलेशन किस डायरेक्शन में कितना बढ़ी है, कितनी पॉपुलेशन है। और पहले एक 10 साल तक, देखिए सबसे बड़ी अच्छी बात है कि पहले 10 साल में एक बार पता चलता था, अब ऐप बेस्ड हो गया। सुन लीजिए, ऐप बेस्ड हो गया तो रियल टाइम बेसिस पे, जैसे आप कह रही हैं 96%, वैसे 100% आबादी आपको रियल टाइम बेसिस पे पता चलेगा। ठीक है जफर भाई, ठीक है जफर भाई, जफर भाई ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास, मैं आपके पास आऊंगी जफर भाई, मैं निशान जी के पास आना चाहती हूँ। निशान जी, सेंसस तो हम सब जानते हैं हर 10 साल में होता है, एनपीआर हर 10 साल में होता आ रहा है क्या? क्योंकि एनपीआर तो 2010 में इसकी शुरुआत हुई, जिसका जिक्र खुद प्रकाश जावड़ेकर की तरफ से किया गया कि 2010 में
एनपीआर यूपीए सरकार ने शुरुआत की, तब मनमोहन सिंह ने कुछ कार्ड वितरित किए थे और उसके बाद एनपीआर का एक जो प्रोजेक्ट था, पायलट प्रोजेक्ट, वो लॉन्च किया गया था। तो एनपीआर के तहत तो इस देश में मेरे ख्याल से सेंसस पहली बार होने जा रहा है, मुझे करेक्ट कीजिए अगर मैं गलत हूं। तो एनपीआर तो कभी नहीं हुआ ना इससे पहले, सेंसेक्स एनपीआर से तो नहीं हुआ है सेंसस? नहीं, नहीं हुआ है। और जावड़ेकर साहब हो या जफर इस्लाम साहब हो, वो ये नहीं बताना चाहेंगे कि 2013 में होम मिनिस्ट्री के कहने पे ये बात निकल के आई थी कि UIDAI जो आधार कार्ड इशू करता है उसने ये कहा था कि ये क्लैश कर रहा है, जिस वजह से जो कार्ड्स थे एनपीआर के उसको लेकर के मामला सेंट्रल गवर्नमेंट में आया था और तब GOM बनाने की बात हुई थी कि वो बताएंगे कि कैसे इस क्लैश को दूर किया जाए इत्यादि। पर तब तक सरकार के बारे में आपके पास आ जाऊंगी, कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिए प्लीज। एक एक पॉइंट पर बात कर रहे हैं, पहले अपनी बात निशान जी पूरी रख लें, फिर आप जवाब दीजिएगा, हम चाहते हैं आप जवाब दें, आपके पास ही आऊंगी। निशान जी अपनी बात पूरी कीजिए। तो 2013 से वो चीज सस्पेंड कार्ड वाली चीज इसीलिए कर दी गई थी बिकॉज UAIDAI जो आधार को इशू करता है उसने खुद ने कहा था ये क्लैश हो रहा है और होम मिनिस्ट्री ने GOM बनानी थी और ये 2013 के बात है। 2014 में सरकार बदल गई, उसके बाद इन लोगों ने उस पर क्या काम किया, GOM बनाई नहीं बनाई, वो पहला सवाल बनेगा जफर इस्लाम साहब के ऊपर कि पिछले 5.5 साल में उस चीज पे क्या किया, कैसे उसको आधार से उसको कनेक्ट या डिस्कनेक्ट। जवाब लेते हैं, इसी पर जवाब लेते हैं, क्योंकि जफर इस्लाम साहब हमें पहले तो यह बता देना चाहिए दर्शकों को कि सेंसस जो होता है हर 10 साल में बिल्कुल होता है, लेकिन एनपीआर की प्रक्रिया सेंसस के लिए ये पहली बार देश देखेगा होते हुए। मैं सही कह रही हूं ना जफर इस्लाम साहब? पहले तो आप हां में हां मिलाइए मेरी ताकि मैं इस पर आपकी मोहर लगवाकर अगला सवाल आपसे लूं। बताइए सही कह रही हूं ना, एनपीआर के तहत तो पहली बार सेंसस होने जा रहा है ना? नहीं नहीं, एनपीआर पहले हुआ इस देश में, एनपीआर के तहत पिछला सेंसस कब हुआ? हाँ तो वही चिदंबरम जी ने शुरू किया है। सर 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 प्लीज डोंट कंफ्यूज, चिदंबरम जी ने शुरू किया है, पायलट प्रोजेक्ट हुआ है, पायलट प्रोजेक्ट हुआ है और कार्ड भी जो है, सर सर प्लीज डोंट कंफ्यूज सर, राजनीति और उसके कार्ड भी जो है उस वक्त जफर भाई प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने, जफर भाई प्लीज कंफ्यूजन नहीं, नहीं आप ही के पास आ रहा हूँ, नहीं नहीं जफर भाई आपके पास ही आ रही बात है, आप ही के पास आ रही हूँ। जफर भाई आपने बिल्कुल सही कहा कि वो पायलट प्रोजेक्ट था, आपने बिल्कुल सही कहा वो पायलट प्रोजेक्ट था जफर भाई, वो लागू नहीं हुआ था। देश में कोई भी सेंसस एनपीआर के तहत अब तक नहीं हुआ है। देश में हर 10 साल में सेंसस होता है, लेकिन अब 2021 वाला सेंसस देश में एनपीआर के तहत पहली बार होने जा रहा है, यह फैक्ट है जो मैं आपके सामने रख रही हूं। अब सवाल पर आइए जफर भाई, जो निशांत वर्मा ने यहां पर उठाया कि यह 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार ने ही इसको रोक दिया था, आप लोग क्या आधा सच बता रहे हैं देश को कि 2010 में मनमोहन सिंह सरकार इसको लेकर आई, 2013 में मनमोहन सिंह सरकार ने ही इस पर रोक लगा दी, जो जानकारी यहां पर निशान जी रख रहे हैं ये कहते हुए कि ये तो सीधा आधार से क्लैश करेगा, ये तो डुप्लीकेशन है। अगर ऐसा हुआ तो फिर आप लोग किस आधार पर इसको आगे बढ़ा रहे हैं? अब आप ये बताइए, देश को जवाब दीजिए। देखिए हाँ सुन लीजिए, 2010 में जिस तरह से इन्होंने प्रपोज किया था बायोमेट्रिक्स, आपने सुना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें बड़े एम्फेसाइज करके कहा कि बायोमेट्रिक्स की जरूरत नहीं है, कोई दस्तावेज की जरूरत नहीं है, तो जाहिर है ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीका है देश की जनगणना करने के लिए, सेंसस के लिए, जहां पर हर नागरिक अपना रजिस्टर जो पॉपुलेशन रजिस्टर में नाम आ जाए, इससे पता चलेगा कि कितनी जनसंख्या, तो इसमें गलत कहां है मुझे कोई, अगर आप सब कहता बायोमेट्रिक्स आपको आधार कार्ड में बायोमेट्रिक चाहिए, यहां आपसे बायोमेट्रिक चाहिए, या सेल्फ डिक्लेरेशन प्रोसेस है, सेल्फ डिक्लेरेशन प्रोसेस में आपको प्रॉब्लम क्या है? ठीक है सर, अगर हाँ इसमें घर पर देखिए आधार पे दो तीन चीजें बताओ, जैसे आप पासपोर्ट है, हर नागरिक के पास पासपोर्ट नहीं, इसलिए हर नागरिक पासपोर्ट नहीं बनाता, हर नागरिक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाता, हर नागरिक जो है वो बहुत सारे कार्ड नहीं बनवाता, लेकिन ये जब जनगणना होती है तो उस वक्त सारे नागरिक पूरे एक एक नागरिक का रियल टाइम में, नहीं नहीं जफर भाई, जफर भाई सही है, आप जो बात कह रहे हैं मैं उसको आगे बढ़ा रही हूँ जफर भाई, लेकिन यहाँ दर्शकों को कंफ्यूज मत कीजिए जफर भाई, मैंने पासपोर्ट का एग्जांपल नहीं दिया, मैंने ड्राइविंग लाइसेंस का एग्जांपल नहीं दिया, ये तो प्रोसेस पहले भी हो चुका है, मैंने आधार का एग्जांपल दिया था जफर भाई, आराम से आज सारे सवालों के जवाब आपको ही देने, मैं जरा सा तौसीफ खान का रुख करना चाहती हूँ। तौसीफ खान साहब, जो बात यहाँ पर जफर इस्लाम साहब कह रहे हैं कि देखिए पहले जो इतनी हायतौबा मच
रही थी वो ये कहकर मच रही थी कि साहब ये कागज मांग लेंगे एनपीआर में, ये बायोमेट्रिक प्रूफ मांगेंगे। अब तो हमने सुन लिया ना, खुद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सामने आए, उन्होंने कहा कोई कागज नहीं चाहिए, कोई दस्तावेज नहीं चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कोई बायोमेट्रिक आपको पहचान नहीं देनी है, जो कहेंगे वो मान लेंगे, जनता पर हम भरोसा करते हैं। फिर सर इस सरकार की, मोदी सरकार की नीयत पर विपक्ष क्यों इतनी ज्यादा शंका करता है, क्यों भरोसा नहीं करते आप लोग मोदी सरकार पर, क्यों सवाल उठा रहे हैं आप लोग कि एनपीआर एनआरसी की तैयारी है? तौसीफ खान साहब, देखिए ये लोग आधा सच बता रहे हैं। सेंसस जो होता है, जो होता आया है हमेशा, वो सेंसस एक्ट के अंदर में होता है। एनआरसी जो है ये सिटीजनशिप एक्ट के अंदर में होता है जो अभी होने जा रहा है। एनआरसी क्या है, एनपीआर, सॉरी एनआरसी नहीं, एनपीआर। एनपीआर जो है ये सिटीजनशिप एक्ट और सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन एंड इश्यू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी एक्ट रूल्स, इसके तहत ये किया जाएगा। जब वो कह रहे हैं कि लोग अभी आएंगे और आपसे इंफॉर्मेशन लेंगे, ये सही बात है, लोग आएंगे आपसे इंफॉर्मेशन लेंगे, जो जो इंफॉर्मेशन सेंसस एक्ट में होता है वो सारा इंफॉर्मेशन इन लोग लेंगे। उसके अलावा दो बातें और होंगी, ये पूछेंगे कि आपके माता पिता का जन्म कहां हुआ, ये सेंसस में इंफॉर्मेशन नहीं होता। दूसरी बात ये बोलेंगे आप अपने आधार कार्ड में जो UIDAI एक जो नंबर होता है जिससे आपके बायोमेट्रिक्स डिटेल स्टोर किए, वो नंबर ये लोग ले लेंगे। तो एनपीआर के तहत ये आपसे दो बातें ज्यादा जानेंगे कि आपके माता पिता का जन्म कहां हुआ, दूसरा आपका बायोमेट्रिक डिटेल्स भी ले लेंगे। तो ये जो इसके बाद ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तौसीफ साहब प्लीज सर प्लीज, देखिए मैंने जफर भाई को भी यही कहा और तौसीफ साहब मैं आपसे भी यही कह रही हूँ कि मेरा मकसद ये शो करने का, एक मिनट सर एक मिनट, भ्रम दूर करना है, मैं ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ सर प्लीज। जफर भाई मैं बैठी हुई हूँ ना शो कंडक्ट करने के लिए, मैं भ्रम दूर करने के लिए भी बैठी हुई हूँ, मैं बताने जा रही हूँ सच क्या है, क्योंकि मैं लगातार अपने रिपोर्टर के साथ इस मोबाइल के थ्रू कॉन्टैक्ट में हूँ और मैंने ये जो बात तौसीफ खान साहब कह रहे थे ये रिपोर्टर से पूछी, उन रिपोर्टर से पूछी जो वहां पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, और वहां पर ये बात साफ की गई है कि आधार नंबर वाली बात जो आपने कही है तौसीफ साहब, जिसके आधार पर आप कह रहे हैं कि बायोमेट्रिक सारी जानकारी पहुंच जाएगी सरकार के पास, सर आधार नंबर देना वैकल्पिक होगा, मैं दोहराती हूं आधार नंबर देना वैकल्पिक होगा तौसीफ खान साहब। दूसरी बात जो आपने कही तौसीफ खान साहब, उसका जवाब भी सुनिए, आपने कहा कि ये जानकारी मांगेंगे माता पिता के जन्म स्थान के बारे में, तो इसके बारे में क्लैरिफिकेशन ये दिया गया है कि अभी ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है, और अगर ऐसी कोई जानकारी मांगी भी जाएगी तो ये भी वैकल्पिक होगी, ये भी वैकल्पिक होगी। अब तौसीफ खान साहब मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आपसे है सर, कि अभी फॉर्म आया नहीं है, अभी हमें नहीं पता उसमें कौन से क्वेश्चंस रहने वाले हैं, फिर ये विपक्ष भ्रम फैला रहा है क्या, लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं आप, गुमराह करना चाहते हैं आप, कि यहां पर शो पर बैठकर आप कह रहे हैं कि देखिए ये पूछेंगे माता पिता का जन्म स्थान क्या है, जबकि सरकार कह रही है कि अभी ऐसा कोई मंशा नहीं है, अगर होगा भी तो वैकल्पिक होगा। आप कह रहे हैं ये आधार नंबर मांगेंगे, सरकार कह रही है आधार नंबर देना ना देना आपकी अपनी इच्छा पर होगा, क्यों सर ये भ्रम क्यों फैला रहे हैं? अगर ये भ्रम वाली बात है तो सरकार क्यों नहीं क्लियर कर देती, सरकार क्लियर कर दे इसका आगे का प्रोसेस क्या है। इसके आगे के प्रोसेस में क्लियरली है कि ये इन्फॉर्मेशन का वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन प्रोसेस में जिन लोगों के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे उनको कैटेगरी में डाला जाएगा, डाउटफुल सिटीजनशिप कैटेगरी। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अरे भैया आप कर चुके हैं, आप कर चुके हैं, लोगों ने पूछा नहीं तो आप पूरी बात क्यों नहीं बताते, आपका मंशा है भ्रम मिटाना, आप पूरी बात कर दीजिए, आप आधा सच क्यों बताते, आप आधा सच क्यों बताते, आप पूरी बात बताइए, आप आधा सच क्यों बताते, आप ये बात बताइए सिटीजनशिप एक्ट के अंदर आता है या नहीं आता है, और आप जैसे एनपीआर हमारे समाज एनपीआर सिटीजनशिप एक्ट के अंदर आता है या नहीं आता है, आप लोग जैसे गुमराह हैं खुद और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं, आप लोगों को तो मौका ही नहीं देना चाहिए बोलने का, चिल्लाने नहीं, आप लोगों को मौका ही नहीं देना चाहिए, असाउद्दीन रवैसी और आप समाज को बोलना चाहिए, मैं दोनों की आवाज थोड़ी थोड़ी कम करा रही हूँ, मैं दोनों की आवाज थोड़ी थोड़ी कम करा रही हूँ, आप प्लीज दोनों सोचिए ना कि हम शो कर रहे हैं, लोगों को समझ में आए ये मामला, आप दोनों चिल्ला कर जफर भाई ऐसे भ्रम दूर नहीं होगा, वो अपनी पूरी बात रख लेते, उसके बाद आप आराम से जवाब दे देते तो बेहतर तरीके से आप भ्रम दूर कर पाते। सर मुझे शुभ रास्ता का रुख करना है,
ये तरीका नहीं है। आप लोग और कंफ्यूजन, आप लोग और कंफ्यूजन खड़ा करते हैं। मुझे शुभ्रष्टा का रुख करना है। मुझे सर यहाँ पर कोई मुस्लिम समाज का ठेकेदार नहीं है, वो टीएमसी समर्थक है। सर यहाँ कोई मुस्लिम समाज का यहाँ पर ठेकेदार बनकर नहीं आया है, वो टीएमसी समर्थक के तौर पर यहाँ पर बैठे हुए हैं, जैसे आप बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। प्लीज सर धर्म को बीच में मत लेकर आइए। सर धर्म को बीच में मत लेकर आइए। सर क्या हम धर्म बाहर रख सकते हैं इस डिबेट से? क्या धर्म को बीजेपी के प्रवक्ता इस डिबेट से बाहर रख सकते हैं? या बीजेपी के प्रवक्ता के लिए जरूरी है कि वो इस डिबेट में धर्म लेकर आए? मैं शुभ्रष्टा के पास जाना चाहती हूँ। शुभ्रष्टा मुझे ये पॉइंट लगता है इस पे क्लैरिफिकेशन मिलना चाहिए। ये एक वैलिड पॉइंट है जो तौसीफ खान की तरफ से उठाया जा रहा है। आप प्लीज जवाब दीजिए। तौसीफ ये कह रहे हैं कि अगर ये सब सेंसस की प्रक्रिया के तहत हो रहा है तो एनपीआर तो हम सब जानते हैं तो सिटीजनशिप एक्ट के तहत आता है ना? और एनपीआर सिटीजनशिप एक्ट ये तो आप वेबसाइट पर खोल कर देख लीजिए, जहां पर लिखा हुआ है उसकी अगली लाइन में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि एनपीआर का जो लॉजिकल कंक्लूजन है वो एनआरसी है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये वेबसाइट पर साफ तौर पर लिखा हुआ है, ये सरकार की तरफ से जो संसद है वहां पर जवाब में कहा गया है। मुझे करेक्ट कीजिए अगर मैं गलत कह रही हूं। शुभ्रष्टा देखिए रुमाना जी, पहली चीज की एनपीआर 2010 में जब सेंसस हो रहा था, जिसकी डेटा 2011 में रिलीज हुई, उस समय भी देश का पहला एनपीआर किया गया। ये जो एनपीआर आया है ये 2004 में जब यूपीए की सरकार थी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में 1955 का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था उसको बदलकर इसमें ये संशोधन किया गया। और वो तो 2003 में वाजपेयी जी की सरकार के दौरान बदलाव किया गया ना? शुभ्रष्टा प्लीज बी फैक्चुअली करेक्ट मैम। 2003 में अमेंडमेंट किया गया ना वाजपेयी जी की सरकार में? मैं सही कह रही हूँ? 2003 में वाजपेयी जी की सरकार में अमेंडमेंट किया गया। शुभ्रष्टा जी बिल्कुल आप सही कह रही है। मैं माफी चाहती हूँ। 2010 में 2010 में जब पहला डेटा एनपीआर का कलेक्ट किया गया वो यूपीए सरकार के तहत हुआ, और 2015 में इसका अपडेशन हुआ। अब जब हमारे देश में दोबारा संसद सेंसस होने वाली है 2020 में, उस समय एनपीआर के तहत भी डेटा लिया जाएगा। सिंपल सी बात है, जितने भी सिटीजन्स हैं इस कंट्री के उनका एनपीआर से कोई खास लेना देना नहीं है। मैं इसलिए ये चीज क्लियर कर रही हूँ। सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स यानी जो रेजिडेंट्स हैं इस देश के, उन सभी रेजिडेंट्स का डेटा एक साथ कलेक्ट किया जा रहा है ताकि टारगेटेड बेनिफिशियरीज जो हैं उनको लाभ अच्छी तरह से पहुंच सके, और इंटरनल सिक्योरिटी का जो मामला है देश का वो अच्छे से सरकार उसको टैकल कर सके। इसमें इतना कंफ्यूजन क्यों क्रिएट किया जा रहा है मैं समझ नहीं पा रही हूँ रुमाना जी। सिंपल सा इशू है, अगर जिस घर से मैं लाइव हो रही हूँ उस घर पे जब सेंसस के लोग उस घर में जब सेंसस के लिए लोग आएंगे तो मुझसे भी सवाल पूछे जाएंगे। ये घर मेरा अपना नहीं है, लेकिन मुझे बताना होगा कि मैं कौन हूं, मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है, मेरे पेरेंट्स का नाम क्या है, मैं यहाँ कितने महीनों से रह रही हूँ, और मैं और मेरा जो तो शुभ्रष्टा जो अभी आपने बात कही है, तो फिर ये सेंसस एक्ट की प्रक्रिया के तौर पर इसको देखा जाए या फिर सिक्योरिटी के लिहाज से आप बता रही हैं कि ये महत्वपूर्ण है? मतलब ये क्या है, क्योंकि सरकार की तरफ से तो कहा जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ सेंसस की एक प्रक्रिया है। अब आपने इसमें सिक्योरिटी का एंगल भी बता दिया देश को, क्या इसी वजह से भ्रम नहीं फैल रहा है? रुमाना जी हाँ जी नहीं बिल्कुल नहीं फैलना चाहिए, भ्रम नहीं फैलना चाहिए, लेकिन आपने ही देखा कि आपके ही शो में टीएमसी के प्रवक्ता बिल्कुल फैक्ट से इतर होकर के बात करें तो भ्रम तो इस वजह से फैलता है। सिंपल सी चीज है, सेंसस जब डेटा कलेक्ट होती है तो सिर्फ आपके पास जो पॉपुलेशन रजिस्टर है वो अपडेट नहीं होता, उसके साथ तमाम चीज ऐड होती है, उसके साथ आप बता दीजिए डेवलपमेंट पैरामीटर्स पर भी सेंसस रिपोर्ट में चर्चा होती है। आप इस पर जवाब दीजिए ना, ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है शुभ्रष्टा, ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि एनपीआर कोई ना बोले शुभ्रष्टा प्लीज, ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है शुभ्रष्टा, ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि एनपीआर अगर सेंसस की प्रक्रिया का हिस्सा है तो सही भ्रम फैलाया उसके बाद भी आप नहीं बीच में बोल रहे हैं। सेंसस एक्ट के तहत क्यों नहीं, सिटीजनशिप एक्ट के तहत क्यों, ये जानना चाह रही हूं मैं। अगर सेंसस का प्रक्रिया का हिस्सा है तो सेंसस एक्ट के तहत क्यों नहीं? क्योंकि
क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली जब ये सिटीजनशिप एक्ट में संशोधन हुआ 2004 में, तो अब ये उसी के तहत होगा ना। अगर आप कह रही हैं कि इसको दूसरे एक्ट के तहत होना है, तो फिर ये ऑपोजिशन बिल लेकर के जाए पार्लियामेंट में, टेबल करे, चर्चा परिचर्चा हो, वो भी एक्ट अमेंड कर दिया जाए और कह दिया जाए, वो भी देश की जनता को कबूल होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर टेलीविजन कैमरे पर बैठ निशान जी, निशान जी मुझे आपके पास आना पड़ेगा। जो बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से कि यही सब जब कांग्रेस कर रही थी तो वो धर्मनिरपेक्ष हो जाती है, और बीजेपी अगर इस पर कदम बढ़ाने लगे तो वो सांप्रदायिक हो जाती है। नहीं, ये सांप्रदायिकता और रोमाना जी, मैं धर्मनिरपेक्षता का एंगल नहीं ला रही हूँ, मैं बहुत क्लियरली कह रही हूँ। सर जल्दी से, समय मेरे पास नहीं है। ये 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 एंगल्स नहीं है ना, नेशनल सिक्योरिटी का है। अरे मैं बोल लूँ, मैं जल्दी से, आप कहिए। मैं तो इतना कहूंगा कि जफर इस्लाम साहब, आप देश को बरगलाना बंद करिए, आधार को सुदृढ़ कर लेते या कर सके तो कर लीजिए, उसमें सब कुछ मिल जाएगा, लाइव डेटा आपको। ये जो एनपीआर करके आप 13,000 करोड़ रुपए बेकार करना चाहते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल सेंसस करना है वो करते रहिए। समय मेरे पास इतना ही है आज की इस चर्चा के लिए, लेकिन मैं फिर भी उम्मीद करती हूँ कि एनपीआर को लेकर जो आपके मन में सवाल होंगे, यकीनन उनके कुछ के जवाब तो आपको जरूर मिले होंगे अगर आपने गौर से ये शो देखा होगा। ऐसे आज के इस शो के बाद मेरी राय बहुत साफ है कि एनपीआर पर जो सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब सरकार को देने चाहिए, क्योंकि भ्रम दूर करने की जिम्मेदारी सरकार की है। संविधान की शपथ देख रहे थे आप। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।